हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे कफ सिरप। कितनी भी खांसी जुकाम बलगम हो, सब गायब हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब नुस्खा है ये। और इसकी खास बात यह है कि हम इसे घर के चीज़ों से ही बनाकर तैयार करेंगे। बच्चों को कैसे देना है, बड़ों को कैसे देना है, सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सिरप को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये छोटा वाला खलबत्ता लिया है, जिसमें हम अदरक लहसुन कूटते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये 12 से 14 काली मिर्च, 4 लौंग डाल देंगे। तो लौंग जो है इस तरह का फूल वाला ही होना चाहिए। और ये छोटा टुकड़ा दालचीनी का, इसे एकदम बारीक कूट लेना है। ये जो लेमन टी हम बनाएंगे उसे सिर्फ 2 दिन के लिए हम इसे बनाएंगे। इसे बनाकर ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं करना है, क्योंकि इसे फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा असरदार होगा। ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो मैंने इसे कूट लिया है। इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 इंच अदरक, जिसे मैंने छीलकर धोकर इस तरीके से काट लिया है। इसे भी हम कूट लेंगे। तो आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बारीक वाले ग्रेटर से आप इसे ग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका जूस निकालना है। तो मैंने इसे भी कूट लिया है। अब हम इसका जूस निकाल लेंगे। तो इसे हम एक सूती कपड़े में, सूती साफ कपड़ा होना चाहिए, इसमें हम इस कुटा हुआ अदरक को डाल देंगे और इसका हम जूस निकाल लेंगे। इसे हम इस तरीके से निचोड़ते हुए इसका जूस निकाल लेंगे। और इस अदरक को आप या फिर तो चाय में या फिर सब्जी बनाने में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, 1 चम्मच के करीब में ये अदरक का जूस निकल चुका है। बस इतना ही जूस हमें चाहिए। जितने क्वांटिटी में हम इसे बना रहे हैं उतने में हमें 1 चम्मच जूस का ही जरूरत है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये कुटा हुआ मसाला, 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो ये घर का बनाया हुआ हल्दी पाउडर है, अगर ना हो तो किचन में यूज करने वाले हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं। हल्दी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये एंटीबायोटिक है, और गले के लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये 1/2 पिंच हम इसमें जायफल का पाउडर डाल देंगे। जायफल जो है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और खांसी बलगम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसे नहीं डालेंगे, 1/2 चुटकी ही ये काफ़ी है। और अब हम इसमें 4 चम्मच हनी डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे सिर्फ बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप हनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, यानी कि 4 चम्मच की जगह पर हनी आप 3 चम्मच डाल सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो इतना कड़वा नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच हनी डाला है। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कारीगर सिरप है ये। और अब ले कैसे, तो इसे आप बड़ों को अगर दे रहे हैं तो आप 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, और 5 साल से 15 साल के बच्चों तक आप 1/2 चम्मच दे सकते हैं 2 से 3 बार। 1 साल तक के बच्चों को आप ना दें, और 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को आप थोड़ा सा दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।